नमस्कार मित्रों, नेचुरल एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं या शायद अभी आपने ना देखा हो, तो दो डिवाइसेज आ चुकी हैं MyUTI STL पर रीऑथेंटिक के लिए। काफ़ी लोग रीऑथेंटिकेशन के चक्कर में परेशान हैं और आप लोगों की तरह मैं भी काफ़ी दिन से परेशान था। कोई समस्या हल नहीं हो रही थी, तो अब धीरे धीरे जो समस्याएं हल होने लगी हैं, तो चलिए अब देखते हैं। ये हमने UTI STL को खोला, तो यहाँ पर आप देखिए मंत्रा डिवाइस MS100 और मॉर्फो डिवाइस MS1300E। यहाँ पर टेस्टिंग इनकी हो चुकी है, तो इनसे हम दोनों से रीऑथेंटिक कुछ ही दिनों बाद जल्दी ही कर पाएंगे जैसा मेरा विचार है। तो मेरे पास मॉर्फो 1300E2 है, तो मैंने मॉर्फो 1300E2 को विशेष जो मैं तो दिया है इसमें। तो अब मैं क्लियर ऑब्जेक्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पर रीऑथेंटिक के लिए आता है ऑप्शन, और जब मैं रीऑथेंटिक पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है डिवाइस मांगता है। तो हालांकि मेरी जो इसमें डिवाइस मॉर्फो 1300E2 लगी हुई है, मगर इसमें RD का जो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है हमें RD सर्विसेज के लिए, पहले वो रजिस्ट्रेशन हमको लेना पड़ेगा जब ये डिवाइसेज वर्क करेंगी। तो इसके होम पेज पे आते हैं। अब इसका अभी यूजर मैनुअल नहीं आ रहा है, अभी डाला नहीं गया है शायद, या कुछ प्रॉब्लम हुई है। हाँ, इसका मंत्रा के लिए जो आपका ID सर्विस के लिए फॉर्म फिल हो रहा है, ये मंत्रा का जो यूजर मैनुअल है। इसमें डिटेल्स आपको दी गई हैं, कैसे कैसे क्या करना है, कैसे यूज करना है, पूरी डिटेल्स इसमें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। तो अब मैं मॉर्फो के लिए देखता हूँ, क्योंकि मॉर्फो के लिए वहाँ पर दिया नहीं गया है फॉर्म, तो मैं अलग से इसकी सर्विस एक्टिवेशन के लिए अलग से लिंक देखता हूँ। तो ये जो मॉर्फो की जो सर्विसेज की वेबसाइट है, इस पर मैं इसको देखता हूँ। ये RD सर्विसेज की वेबसाइट है, इस पर जो 499 रुपये 14 पैसे जो वन ईयर का चार्ज है, तो
यहाँ पर दिया हुआ तो कुछ और है मगर ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है 499 रुपये 14 पैसे एक जो ईयर के हमसे लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सीरियल नंबर अपना डाल सकते हैं तो इसके ऐड टू कार्ट में चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम आई, मैंने अपने मॉर्फो को जब देखा तो उसका सीरियल नंबर मिट चुका था, ख़त्म हो चुका था। तो सीरियल नंबर को देखने के लिए बेसिकली मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि जो और लोग हैं, जो जो और लोगों को जो परेशानी हो रही है वो उन लोगों को परेशानी ना हो। एकदम कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि हम अब इसका सीरियल नंबर कहाँ से लाएं। तो उसके लिए अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ इसका सीरियल नंबर कहाँ से देखते हैं। तो कंट्रोल पैनल में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, कंट्रोल के पैनल की में, कंट्रोल पैनल की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, डिवाइस मैनेजर पर जाएंगे, डिवाइस मैनेजर पर गए और उसके बाद में जाएंगे हम, ये मेरा इसमें ड्राइवर नहीं पड़ा है इस वजह से ये थोड़ा पीला निशान इस पर बन के आ रहा है। तो इस यहाँ पर डिटेल्स में जाएंगे, फिर हम जाएंगे इसमें आपका डिवाइस इंस्टेंस पाथ, डिटेल्स में जाकर फिर जाएंगे हम डिवाइस इंस्टेंस पाथ में। तो उसके बाद में जो ये हमारा आ गया यूएसबी वीआईडी वगैरह लिख के, इसमें जो लास्ट का जो यहाँ से डेस से इधर जो 170510 इस टाइप का जो ये नंबर है ये होगा हमारा मॉर्फो का सीरियल नंबर। तो इस तरह हम अपनी मॉर्फो का जो सीरियल नंबर प्राप्त कर सकते हैं और उससे हमारा अपनी आरडी सर्विसेज एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों यही मैं आपको बताने जा रहा था क्योंकि UTI STL पर सारा काम इससे थंब इम्प्रेशन डिवाइस से होने वाला है, चाहे वो मंत्रा हो, चाहे मॉर्फो हो, चाहे और भी कंपनियों की टेस्टिंग चल रही है। जैसे जैसे सभी कंपनियों की टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर ये जुड़ते चले जाएंगे। तो यही जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आपको समय समय पर जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी जानकारियाँ होती हैं वो मैं आपको देता रहता हूँ जिससे आप लोगों को कार्य करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें और आप बताएं मुझे कि आपको ऐसे कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या वीडियो पसंद ना पसंद जो भी लगा हो आप मुझे बताएं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। इसी के साथ मैं फ़िलहाल आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो में, आगे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।